नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी। 6 फरवरी मंगलवार माघ मास के ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है जिसे हम छठ तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, छठ तिला एकादशी का माघ मास की इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, केवल एक मुट्ठी तिल के साथ हमने ये उपाय करना है। छठ तिला मतलब कि छठ मतलब कि छह और तिला मतलब तिल। इस एकादशी में तिलों का विशेष महत्व है, तो तिल के साथ ही हम उपाय करेंगे। उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके घर से एक तो बीमारियां दूर होंगी, पैसों में बरकत होगी, आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, आपके काम कारोबार में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि जीवन के सारे दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी। मात्र इस एकादशी के दिन आपने तिलों के साथ कुछ छोटे से उपाय आपने कर लेने हैं, आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत, आपके जीवन के सारे दुख परेशानियां जो है वो समाप्त होंगी। छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। बात करें छठ तिला एकादशी की, माघ मास की ये एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका जो व्रत है ये 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग व्रत करते हैं या जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो तिल के साथ जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ अवश्य करिएगा, आपको इसका बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। सबसे पहला जो उपाय है, आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो आपने अपने नहाने के पानी में, यानी कि जो काले तिल होते हैं या फिर सफेद तिल होते हैं, तो आप थोड़े से सफेद तिल लीजिए, यानी कि एक चुटकी सफेद तिल लीजिए, और जब आप सुबह उठ के नहाएंगे इस एकादशी के दिन, तो अपने नहाने के पानी में आपने जो है तिल डालकर फिर आपने स्नान करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपने जो है स्नान करना है। इसके साथ आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे तो माघ मास के जिस स्नान का आपको पुण्य प्राप्त होता है वो भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे जो आपने इस दिन तिल के साथ आपने कार्य करना है वो आपने क्या करना है, आपके पास तिल है, तिल को आपने थोड़ा सा पीस लेना है, पीस कर उसका एक पेस्ट की तरह आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आप जैसे आपने नहा लिया या नहाने से पहले आपने क्या करना है, उस तिलों को अपने फेस पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, हाथों पर, यानी कि उसका एक उपटन, एक लेप की तरह जब आप लगा लेंगे तो आपके चेहरे का निखार भी होगा, आपके चेहरे की अगर कोई स्किन की समस्या है तो वो भी दूर होगी। या फिर नहाने के बाद आप तिल के तेल के साथ अपने शरीर के ऊपर मालिश करें, ऐसा करने से आपके शरीर के जो भी रोग बीमारियां होंगी दूर होंगी, शरीर में दर्द रहता है तो वो भी इस उपाय को करने से जो है आपके शरीर का रोग कष्ट बीमारी जो है ये भी दूर होगी। ये आपको मैंने तिल के साथ करने वाले दो काम मैंने बता दिए हैं। तीसरा काम जो आपने करना है, आपने क्या करना है, आपने लेने हैं गाय के कंडे। जी हाँ, गाय के गोबर से बने हुए कंडे उपले आपने लेने हैं अपने घर में ही। जैसे आप थोड़े से उपले, दो चार उपले लेकर आप उन्हें किसी भी पात्र के अंदर आपने उन्हें रखकर आपने उन्हें जलाना है। जलाने के बाद आपने काले तिल सफेद तिल मिक्स करके आपने उनको जलाने के बाद एक हवन की तरह आपने उसका करना है, और उस हवन में आपने इन काले और सफेद तिलों की आपने आहुति देनी है। 108 बार आहुति दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। ये जो आप आहुति दे रहे हैं ये अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपने ये वाला जो हवन है ये आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो चौथा काम करना है, ये आपने अपने पितरों के निमित्त, यानी कि अपने पितरों के तर्पण हेतु आपने ये काम करना है। घर का बेटा ये उपाय कर सकता है। आपने क्या करना है, अपने हाथ में आपने, यानी कि सुबह नहाने धोने के बाद अपने हाथ की हथेली में आपने थोड़ा सा जल लेना है, जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। जी हाँ, हाथ में जल लीजिए, जितना जल आएगा उसी जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर आपके घर की जो दक्षिण दिशा है उसकी तरफ आपने अपना मुंह कर लेना है, और अपने पितरों का ध्यान करना है, अपने पूर्वजों का ध्यान करिए, और उसके बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए आपने इस जल को, आपका जहाँ जैसे अंगूठा है अंगूठे की तरफ आपने इस जल को नीचे आपने जो है वो छोड़ देना है। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी, पितरों को जो है वो तृप्ति होगी। ऐसा करने से पितर जो है आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पांचवा काम जो आपने तिल के साथ करना है वो आपने शाम के समय, जब आप अपने पूजा घर में दिया लगाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उस समय आपने तिलों के साथ कोई भी मिठाई बनानी है, तिल के लड्डू बना लीजिए और कोई तिल की मिठाई बना लीजिए, यानी मावे के अंदर तिल मिलाकर उसकी मिठाई बना लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो तिल और गुड़ का आपने जो भोग है ये आपने भगवान विष्णु को आपने लगाना है, लगाने बाद उसी को प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार में बांट कर आपने खाना है। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जो है वो बनी रहती है। और जो छठा काम आपने इस दिन करना है वो आपने करना है, थोड़े से आपने तिल लेने हैं या तिलों से बनी हुई कोई मिठाई ले लीजिए,
वो आपके किसी भी जरूरतमंद को, जी हाँ, जैसे मंदिर में अगर जाएंगे जरूरतमंद को, या फिर मंदिर में जाकर आप पुजारी जी को, पंडित जी को, आपने इन तिलों का दान आपने करके आना है, जहाँ मिठाई का दीजिए या तिल लेकर आपने पंडित जी को आपने देकर आना है, थोड़ी सी दक्षिणा आपने साथ में देकर आनी है। ऐसा करने से जो है आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ये छह काम मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ये जो एकादशी है छठ तिला एकादशी है, छठ मतलब छह, इस दिन हम छह काम करते हैं तिलों के साथ। तो अगर आप ये छह काम नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से आप स्नान अवश्य करिए, तिलों का दान अवश्य करिए, और घर में जैसे हम हवन करते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, तिलों की आहुति के साथ अपने घर में हवन अवश्य करिए, पूरा वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि बरकत जो है वो बनी रहेगी। तो बहुत ही विशेष महत्व है इस एकादशी का, पूरे वर्ष में एक मौका हमें मिलता है, अवश्य इस मौके को ना गवाइएगा, अवश्य इन उपायों को करें और इनका लाभ हासिल करें।